मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शरारती तत्वों की करतूत सामने आई है। उपद्रवियों ने बिहार शरीफ स्थित कारगिल पार्क में शहीद स्मारक में तोड़फोड़ की है। पार्क के पौधों को उखाड़कर टैंक पर रख दिया गया है। पार्क को भी बदमाशों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले तो नजारा देख सभी हैरान हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और छानबीन की जा रही है। दरअसल कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में नालंदा के बिहार शरीफ में कारगिल पार्क बनाया गया था। पार्क में शहीदों की शहादत को याद करने के लिए अमर जवान का प्रतीक स्थापित किया गया था। सोमवार की देर रात शरारती तत्वों ने शहीद स्मारक को नुकसान पहुंचाया है। यहां लगे पेड़ पौधों को काटकर बर्बाद कर दिया गया है और शहीद स्मारक में तोड़फोड़ की गई है। शहीद कारगिल पार्क दो थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक तरफ का गेट दीपनगर जबकि दूसरे तरफ का गेट लहेरी थाना की ओर खुलता है। दीपनगर थाना जहां 200 मीटर की दूरी पर है तो वहीं लहेरी थाना 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। डायल 112 की पुलिस कारगिल चौक पर ही रहती है। एक्साइज के पुलिसकर्मी भी पार्क के सटे एक कमरे में रहते हैं। बावजूद बदमाशों ने उत्पात मचाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहार शरीफ के SDO अभिषेक पलासिया और सदर DSP नूरुल हक समेत दीपनगर और लहेरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है। SDO ने बताया कि शरारती तत्वों की पहचान के लिए CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रात में सूचना मिली कि किसी के द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधा तोड़ के और इधर जो अमर जवान ज्योति पे बंदूक लगा रहा था वो कितने डिफेंस कर दी प्रॉपर्टी। क्या लग रहा था कि इसी क्षेत्र को सिर्फ डैमेज किया गया है, कहीं ना कहीं टारगेट बना के शूट किया गया है? तो वो अभी कैमरा वगैरह लगाए हम लोग जा रहे हैं देखेंगे, अध्ययन करेंगे कौन किया। थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? थाना क्षेत्र ये पड़ता है दीपनगर, तोड़फोड़ क्या हुआ है कारगिल चौक में? सेना का जो है रखा हुआ था उसको तोड़ा गया, तोप में देखे पेड़ पौधा सब खोता गया है और इसमें ये जांच का विषय है, इस जांच का होना चाहिए। क्या लगा कि कौन लोग ऐसा कर सकता है? अभी तो हम नहीं कह सकते कौन लोग कर सकता है, कोई उपद्रवी आदमी का ही काम है, कोई अच्छा आदमी सब करेगा नहीं। लेकिन पूरा तहरना जी पूरा तोड़फोड़ किया गया इसके अंदर, ये स्मारक है इसके अंदर इस तरह का घटना होना दुख दर्दनीय दुखनीय दोनों। राइफल वगैरह बनाया गया था ये जो भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं उनके याद में ये बनाया गया। राइफल वगैरह सब तोड़ दिया? जी जी सब तोड़ा गया। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार, कप्पू सिंह, जिला अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ, लोजपा, नालंदा।